इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर संघर्ष विराम नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने यह भी साफ इशारा कर दिया कि अब हमास पर पहले से ज्यादा और तेज हमले होंगे। इसका ट्रेलर भी अब दिखने लगा है। हमास के करीब 15 कमांडर ढेर हो चुके हैं और तैयारी पूरी है। इसके लिए इजराइल अपने 5 ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में दुनिया को कम ही जानकारी साझा की गई है। इजराइल के ये हथियार दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देते हैं और जमीन से लेकर आसमान से हमला करने में ये सक्षम हैं। आपको इजराइल में अमेरिका के सैन्य अड्डे की मौजूदगी के बारे में भी आगे डिटेल बताएंगे और जानेंगे इजराइल की जमीन से अमेरिका कैसे पूरे मध्य पूर्व पर नजर बनाए हुए है। लेकिन इस बीच हमास लीडर सालेह अल अरौरी के घर पर हुए हमले को लेकर बड़ी खबर आई, जहां रामल्ला में अरौरी के घर पर बमबारी हुई है। आपको बता दें इजरायली सेना ने यह बमबारी की है। इस समय कतर में है अल अरौरी। हवाई हमला किया गया है वो इजराइल के ऐसे गुप्त हथियार से किया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इसलिए इजराइल के हथियार डिपो में ऐसे दर्जनों घातक हथियार हैं जो बेहद सीक्रेसी से दुश्मन का सफाया करते आए हैं। आपको इजराइल के 5 सीक्रेट हथियारों के बारे में आज डिटेल बताएंगे जिनका इस्तेमाल हमास का काम तमाम करने के लिए अब किया जा रहा है। वहीं इजराइल के ये 5 गुप्त हथियार कौन कौन से हैं इसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां देखिए आज आपको बताऊंगी हरोम के बारे में खबर होगी, रोटेम के बारे में, रेक्स MK2 के बारे में भी डिटेल जानकारी आपके सामने रखेंगे। वहीं स्पाइक, फायरफ्लाई और गार्डियम ये 3 ड्रोन वर्जन हैं और जो 2 हथियार हैं ये बख्तरबंद गाड़ियों की तरह नजर आते हैं लेकिन बहुत ही रोबोटिक हैं। इसलिए किस तरीके से इनका इस्तेमाल हो रहा है, 5 ऐसे हथियार जिनको इजराइल का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, हथियार इजराइल को दुश्मन पर बढ़त दिलाते हैं, इजरायली सेना की मारक क्षमता में भी कई गुना इजाफा इसके जरिए कैसे हो रहा है वो तस्वीरों के जरिए आप देखिए। क्योंकि इजराइल के जिन 5 गुप्त हथियारों का जिक्र मैंने किया उसमें सबसे पहले तस्वीर आपके सामने होगी हारोप की। उनकी मारक क्षमता का ये उदाहरण दिखाते हैं, ये दिखाते हैं ये कैसे दुश्मन पर मौत का झपट्टा बनकर बरपते हैं। हारोप इजरायली सेना के सबसे घातक हथियारों में से एक है। हारोप जब आसमान में होता है तब दुश्मन थर-थर कांपता है। अब रोटेम आत्मघाती ड्रोन है। रोटेम शहरी युद्ध में बेहद खतरनाक हथियार माना जाता है। टैबलेट के जरिए ऑपरेट होता है, लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने में इसका कोई तोड़ नहीं है। तीसरी तस्वीर आपके सामने होगी स्पाइक फायरफ्लाई की, IDF के सबसे आधुनिक हथियारों में से एक। गाजा जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए इसे डिजाइन किया गया। इजराइल का एक और घातक हथियार रेक्स MK2। रेक्स MK2 को दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू रोबोट्स में से एक माना जाता है। ऐसा चलता फिरता सैनिक है जिस पर विजय नहीं पाई जा सकती, दुश्मन के खेमे में पहुंचकर तबाही मचा देता है। इतने राउंड गोलियां दागता है कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। और IDF का घातक हथियार गार्डियम को IDF ने गाजा में इस्तेमाल करने के लिए ही विकसित किया है।